हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ सभी लोगों का मेरे चैनल एडवांस स्टडी हब में। दोस्तों, ये वाला जो अपडेट रहने वाला है सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि 1100 वैकेंसीज का यहाँ पे एग्जाम देकर आए थे। उनके लिए यहाँ पे एक नोटिस निकाला गया है। उस नोटिस में क्या लिखा है, क्या जानकारी है, क्या इन्फॉर्मेशन है, वो हम आपको पढ़ के बताएंगे। शुरू से लेकर अंत तक उस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं बनाऊंगा। पूरी इन्फॉर्मेशन जो रहने वाली है वो मैं आपको इसमें पढ़ के बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ अभी लाइक करिए, कमेंट कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करिए। छोटे से छोटा अपडेट जो जुड़ा हुआ है यूपी एनएचएम की भर्ती से, और चाहे एनएचएम जितनी भी भर्तियां करा रहा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश एनएचएम हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश एनएचएम हो, चाहे वो महाराष्ट्र एनएचएम हो, चाहे वो हरियाणा एनएचएम हो, एनएचएम जितनी भी भर्तियां करा रहा है पूरा का पूरा अपडेट हमारे चैनल के थ्रू मिल रहा है। और पूरी जानकारी हेल्थ डिपार्टमेंट में जितनी भी भर्तियां हो रही हैं हमारा चैनल इसको कवर कर रहा है, और कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। और आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं इसी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए, जो भी वैकेंसीज निकलेगी मेरा चैनल इसको कवर करेगा। और अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए तो आगे जो मैं इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ तो वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और इसमें मैं आपको बताता हूँ, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज चल रही हैं। एम्स नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म वहाँ पर आप सभी लोग भर सकते हैं। उसमें बीएससी नर्सिंग वाले हैं और बीएससी नर्सिंग जिन कैंडिडेट्स ने किया है तो वो उस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ जीएनएम वाले कैंडिडेट उस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताई है, नर्सिंग ऑफिसर एम्स न्यू दिल्ली द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। साथ ही साथ एक वैकेंसी मैंने और यहाँ पे कवर की थी, अगर आपने वहाँ पे नहीं देखी है तो आप लोग जाके मेरे वीडियो सेक्शन में जाइए, ठीक है। तो वो जो भर्ती थी महाराष्ट्र में जो वैकेंसीज निकाली गई थी जलगांव डिस्ट्रिक्ट की, वो वैकेंसीज थी तो जलगांव वाली, उसमें भी स्टाफ नर्स की भर्ती निकली थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो भी जाके देख लीजिए, वो फॉर्म भी आप लोग भर दीजिए। और आगे भी भर्ती आने वाली है तो उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो बढ़ता हूँ अपने अपडेट की ओर, और अपडेट जो है वो एक नोटिस के फॉर्म में है। नोटिस में आप सभी लोगों को वहाँ पे ले चलता हूँ। तो नोटिस में आप सभी लोग आ गए हैं, और नोटिस में क्या बोला गया है, सिर्फ 1100 वैकेंसीज के लिए है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज थी। और इसमें क्या बोला गया है कि अमेंडमेंट्स कर दिए गए हैं कुछ, ठीक है। अमेंडमेंट का मतलब क्या है, कुछ संशोधन यहाँ पे कर दिए गए हैं। कुछ वैकेंसीज कुछ पहले थी, अब कुछ वैकेंसीज को क्या रिवाइज कर दिया गया है, क्या उसमें चेंज किया गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वैकेंसीज है, NPAES JEE की वैकेंसी थी, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट की ये वैकेंसी थी, और 11 पोस्ट यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में दी गई थी, ठीक है। लेकिन अब जो अमेंडमेंट किया गया है तो वो क्या है, अब 6 वैकेंसीज कर दी गई हैं, 11 नहीं है, अब सिर्फ 6 वैकेंसीज हैं। और वो 6 वैकेंसीज किस किस डिस्ट्रिक्ट में है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, आजमगढ़, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, ठीक है, कानपुर देहात। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट थे, इनमें ये वैकेंसी रखी गई हैं, और बाकी की जितनी भी है इसमें जानकारी सब आप ही लोगों को यहाँ पे देख ली है, ठीक है। इसमें एडवर्टीजमेंट जो किया गया था, जो वैकेंसीज थी यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देवरिया यहाँ से हटा दिया गया है, और महाराजगंज, ठीक है, ये भी यहाँ से हटा दिया गया है, और सिद्धार्थनगर ये तो है, संत कबीर नगर भी है, आजमगढ़ भी है, ठीक है, मऊ यहाँ से हटा दिया गया है, और यहाँ पे बहराइच ये भी यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। तो 4 तो यही हो गए हैं, 1, 2, 3, 4 ये हो गए, और इसमें एक और रह गया है, वो है यहाँ से हरदोई, ठीक है, हरदोई ये हटा दिया गया है, और 5 ये हो गए हैं, और बोला गया है 6 वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई हैं, तो 6 की डिटेल यहाँ पे दे दी गई है, और बाकी के जो 5 हटाए गए हैं वो यहाँ पे आपको बता दिया है मैंने। तो पूरी की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। ये अपडेट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर ये अपडेट आपको पसंद आया तो प्लीज़ थैंक यू का मैसेज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। और ऐसे ही अपडेट आपको अपडेटेड रहना है तो आगे भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पूरा अपडेट हेल्थ डिपार्टमेंट में जितनी भी वैकेंसीज हो रही हैं हमारा चैनल इसको कवर कर रहा है, और आगे भी इसी तरीके से आपको जानकारी मिलती रहेगी। और जितनी भी एनएचएम भर्ती करा रहा है वो भी आपको अपडेट मिलेगा। यूपी एनएचएम की 10,000 भर्ती का अपडेट आपको मिल ही रहा है, ठीक है, 1100 वैकेंसीज का अपडेट भी आपको मिल रहा है, और जैसे ही CHO वाला अपडेट आएगा वो भी आपको मिल जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखिए, आगे मैं डेटा डालने वाला हूँ वो भी आपको मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।